जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको निशानी से मेरा भाषण सुना रही है, उनको समझा रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको जानकर के हैरानी होगी, आजादी के 70 साल के बाद भी ये जो निशानी की जाती है, साइनिंग की जाती है अलग अलग भाषा समझाने के लिए, हिंदुस्तान के हर राज्य में वो अलग अलग थी, भाषाएं अलग थी, वो तो मैं समझता था, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए एक्शन की थी उसमें भी बदलाव था। इसके कारण अगर तमिलनाडु का दिव्यांगजन है और गुजरात की कोई टीचर है, वो दोनों के बीच में संवाद संभव नहीं था। ये भी जानती थी कि दिव्यांग के साथ कैसे बात करना, वो भी जानता था कौन सी निशानियां, लेकिन तमिल भाषा में जो पढ़ाई गई वो निशानियां अलग थी, गुजराती में पढ़ाई गई निशानियां अलग थी। और इसलिए पूरे देश में मेरा दिव्यांगजन कहीं जाता था और कुछ कहता था तो समझने के लिए इंटरप्रेटर नहीं मिलता। हमने सरकार में आने के बाद, काम बड़ा है या छोटा वो बात का विषय है, लेकिन सरकार संवेदनशील होती है तो कैसे सोचती है। हमने कानून बनाया और देश के सभी बालकों को एक ही प्रकार की निशानी सिखाई जाए, एक ही प्रकार के टीचर तैयार किए जाए, ताकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, इतना ही नहीं, हमने उस साइनिंग सिस्टम को स्वीकार किया है कि अब हिंदुस्तान का बालक दुनिया के किसी देश में जाएगा तो भी निशानी से अगर उसको सीखना है तो वो लैंग्वेज उसको अवेलेबल हो गई है। काम भले छोटा लगता हो, लेकिन एक संवेदनशील सरकार किस प्रकार से काम करती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है।